हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र कुमार वर्मा, लेक्चर सिविल इंजीनियरिंग, आरसी केतन, पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर से। आज सी 301 का मेथड ऑफ सेक्शन का हम एक क्वेश्चन, कन्वेंशनल क्वेश्चन है 2019 का, उसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2019 में आया था, 12 नंबर का क्वेश्चन था। इसमें तीन मेंबर्स ए, बी और बी सी में फोर्सेस निकालने थे यूजिंग मेथड ऑफ सेक्शन से। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हमें सबसे पहले उन तीन पॉइंट्स, जिस जिस मेंबर में हमें फोर्स निकालना है, उस मेंबर ऑफ फोर्सेस में से हमें सेक्शन कट करना होगा। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट तीन सेक्शन, एक ही सेक्शन से तीनों काम हो रहा है, क्योंकि ए, बी और बी सी तीनों एक ही सेक्शन की हेल्प से कट रहे हैं। मैक्सिमम तीन मेंबर कटने चाहिए, वो भी परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो फ्री वर्ड डायग्राम बना लिया हमने, राइट हैंड साइड परफॉर्म कर लिया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारा फिक्स सपोर्ट है, क्योंकि ये क्या है, कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर ट्रस है, ठीक है। तो जब हमने राइट साइड लिया तो ये 20 किलोन्यूटन का लोड, और यहाँ पर एफ ए, एफ बी और बी सी, ठीक है। तो इसमें भी हमने सबसे पहले सिग्मा एम बी यूज लिया, तो एम बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे हम ले रहे हैं, तो बी ई और बी सी ये दोनों पॉइंट आके कहाँ मिल रहे हैं, बी पॉइंट पे, ठीक है। तो जब बी पॉइंट आगे मिल रहे हैं तो इन दोनों का मोमेंट तो जीरो हो गया, तो बचा कौन सा फोर्स, बस ए की, कौन सा, एफ ए। तो एफ ए ये हाइट कितनी है, टू, एफ ए इंटू हट टू इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है। और ये 20 किलोमीटर किस डायरेक्शन में घूम रहा है, इसके अपोजिट में। तो एफ ए इंटू टू माइनस 20 इंटू ये 2 मीटर और ये 2 मीटर, तो हो गया 4 मीटर। तो एफ ए की वैल्यू आ गई 40 किलोमीटर पॉजिटिव में टेंशन में। अब हमने ई पॉइंट पे लिया, ई पॉइंट पे दो फोर्सेस हैं जो निकल रहे हैं, ए और बी। तो ई पॉइंट पे ए और बी तो जीरो हो चुके हैं ऑलरेडी, तो फिर एक फोर्स बच रहा है, वो कौन सा है, बी सी। तो बी सी, एफ बी सी किस डायरेक्शन में जाएगा, एफ बी सी इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। जब बी सी इस डायरेक्शन में घूमेगा तो एफ बी सी इंटू टू हाइट, ठीक है, और बीस बी सी डायरेक्शन में जाएगा, जैसे मैंने पहले दिखा रखा है। तो 20 इंटू 2, तो एफ बी सी की वैल्यू होगी माइनस में 40 बट्टा 2 इक्वल टू 20 किलोन्यूटन कंप्रेशन में, ठीक है। जब हमने पास दो फोर्सेस निकल चुके हैं, तो तीसरा फोर्स हमने समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस की वैल्यूज की हेल्प से कर लिया। तो वर्टिकल फोर्सेस सिग्मा बी, हमने ये थीटा मान लिया, तो सिग्मा एफ बी कॉस थीटा प्लस 20 इक्वल टू 0। तो एफ बी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 28.28, माइनस में वैल्यू आ रही है, तो वो किस में होगा, कंप्रेशन में, ठीक है। तो हमने तीनों मेंबर्स में इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन हमारा 12 नंबर का था। इसी क्वेश्चन को हम मेथड ऑफ जॉइंट से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मेथड ऑफ जॉइंट से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें हर मेंबर के पास जाना होगा। मेथड ऑफ जॉइंट में, जैसा कि हमने कहा था पहले भी, कि एक पॉइंट पे मैक्सिमम दो फोर्सेस, दो मेंबर ऑफ फोर्सेस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दो से ज्यादा होगा तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास जैसे जॉइंट डी ले लिया सबसे पहले हमने, क्योंकि जॉइंट डी पे दो ही अननोन फोर्सेस है, पहला है ईडी और दूसरा है सीडी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने थीटा लिया, थीटा लेते ही वर्टिकल फोर्सेस का समेशन इक्वल टू 0, तो एफ ई डी साइन थीटा इक्वल टू 20। एफ ई डी ऊपर जा रहा है, 20 नीचे जा रहा है, तो एफ ई डी की वैल्यू आ गई माइनस प्लस की 28.28 किलोमीटर। इसी तरह से सिग्मा हॉरिजॉन्टल का किया, तो हॉरिजॉन्टल में क्या था, एफ सी डी प्लस एफ ई डी कॉस थीटा इक्वल टू 0। एफ ई डी का कॉस थीटा कंपोनेंट और एफ सी डी, तो एफ सी डी की वैल्यू आ गई माइनस का 20 किलोमीटर, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जॉइंट डी कैलकुलेट हो गया। अब हमारे पास दो जॉइंट दिख रहे हैं सामने, सी और ई। अगर ई पे देखते हैं तो ई पे चार फोर्सेस दिख रहा है, ए, बी, बी सी, ई सी और ई डी, जबकि हम मैक्सिमम दो फोर्सेस निकाल सकते हैं। अब अगर हम सी पे बात करते हैं तो बी सी, सी डी और सी, सी डी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, तो हमारे पास दो नॉन फोर्सेज है, तो हमने जॉइंट को सी को ले लिया। तो सी को जब जॉइंट लिया तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो एफ बी सी की वैल्यू है वो एफ सी डी के बराबर होगी, तो एफ बी सी को इक्वल टू एफ सी डी कर दिया, ठीक है। तो वैल्यू आ गई माइनस का 20 किलोन्यूटन, क्योंकि सी डी की वैल्यू भी कितनी थी, माइनस का 20, और एफ सी के अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स है ही नहीं, तो एफ सी की वैल्यू कितनी होगी, 0, ठीक है। अब हम जॉइंट ई पे गए, ठीक है, क्योंकि हमारा लास्ट जॉइंट ई है, क्योंकि ए और बी दोनों फिक्स सपोर्ट में है, फिक्स साइड में है। तो जब ई पे गए तो ई पे चार फोर्सेस अननोन है, चार में से ऑलरेडी हमने ई सी और ई डी निकाल चुके हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास दो बच रहे हैं, ए और बी, ठीक है।
तो वर्टिकल फोर्सेस का सम किया हमने, तो एफ बी का कॉस थीटा, एफ ई सी प्लस एफ ई डी का कॉस थीटा। एफ ई सी की वैल्यू पहले से जीरो है, तो एफ बी की वैल्यू बराबर किसकी हो जाएगी, एफ ई डी के माइनस में। तो एफ ई डी की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 28.28 प्लस में, तो एफ बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 28.28 किलोन्यूटन। सिग्मा एच की वैल्यू हम पता कर लेंगे, सिग्मा एच की वैल्यू आएगी 6 एफ ए, ठीक है, प्लस एफ बी का कॉस थीटा, नहीं साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा, और एफ ई डी माइनस में साइन थीटा। तो एफ ए की जब कैलकुलेशन करी तो वैल्यू आ गई प्लस में 40 किलोन्यूटन। ठीक, अब हम ये चेक कर रहे हैं कि पहले फर्स्ट जब हमने मेथड ऑफ सेक्शन से चेक किया था तो एफ ए की वैल्यू कितनी थी, एफ ए की वैल्यू वही 40 किलोन्यूटन थी। एफ बी सी की वैल्यू, एफ बी सी कहाँ है, एफ बी सी की वैल्यू भी माइनस की 20 किलोन्यूटन, और एफ बी ई की वैल्यू माइनस की 28.28 किलोन्यूटन। तो इस तरह से मेथड ऑफ सेक्शन और मेथड ऑफ जॉइंट दोनों से वैल्यू सेम आ रही है। ठीक है, ओके, थैंक यू।